हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जरोडा और ग्रो में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। और वो कंपैरिजन इतना आसान होने वाला है कि आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं अपने यूजेस के बेस पे कि आपको कौन से ब्रोकर फर्म में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन 6 टॉपिक्स के बेस पे कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें पहला है पॉपुलैरिटी, जिसमें आपको बताऊंगा किस एप्स कितने डाउनलोड किए गए हैं और कितने रेटिंग है प्ले स्टोर में, जो कि उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। उसके बाद दूसरा है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, तो मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस में कितने अकाउंट ओपन करने के लिए चार्जेस लगते हैं, प्लस उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने लगते हैं, वो दोनों चीज बताने वाला हूँ। उसके बाद तीसरा है ब्रोकरेज चार्जेस, तो आज मैं आपको डिफरेंट सेगमेंट के बेस पे आपको ब्रोकर चार्जेस बताऊंगा कि कितना लगता है, इंटरडे में कितना लगता है, ऑप्शन में कितना लगता है, फ्यूचर में कितना लगता है, डिलीवरी में कितना लगता है, ये सारी चीजें मैं कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद चौथा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों ब्रोकर फर्म को कौन कौन से प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलप है। उसके बाद पांचवा है ऑर्डर टाइप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ब्रोकर फर्म कौन कौन से ऑर्डर हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि MIS ऑर्डर, CNC ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर किस में है और किस में नहीं है, ये सारी चीज मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उसके बाद छठवा है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप दोनों ब्रोकर फर्म में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF, बॉन्ड, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, ETF इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहला पॉपुलैरिटी की ओर। तो यहाँ पर हम पॉपुलैरिटी कंपैरिजन में आ चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एक्टिव क्लाइंट। तो यहाँ पर सब जरूर में देख सकते हैं तकरीबन 65,09,000 के आसपास एक्टिव क्लाइंट है, और वहीं ग्रो की बात करें तो 52,16,000 के समथिंग एक्टिव क्लाइंट है। उसके बाद सेकंड है प्ले स्टोर में डाउनलोड, तो जरोडा को 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्ले स्टोर में डाउनलोड करके रखा हुआ है, और वहीं ग्रो की बात करें तो इसको भी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रख चुका है। उसके बाद प्ले स्टोर में रेटिंग की बात करें तो जरोडा को 4.2 रेटिंग है 5 में से, और वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो को 4.5 रेटिंग है 5 में से, देखा जाए तो ग्रो का रेटिंग ज्यादा है। उसके बाद हम ब्रोकर टाइप की बात करें तो ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड स्लाइड की ओर। सेकेंड स्लाइड में आते ही आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा कंपैरिजन है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बेस पे, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फ्री। तो जरोडा में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 300 रुपीज लगते हैं, जिसमें आपका इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी तीनों अकाउंट ओपन हो जाते हैं। वहीं ग्रो की बात करें तो इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं, मतलब कि आपको सालाना कितना देना है, तो यहाँ पास आपको जरोडा को हर साल 300 रुपए देने होंगे अगर आप इस प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो। और वहीं ग्रो की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है, मतलब हर साइड से ग्रो बिल्कुल भी फ्री है, और आपको जरोडा में अकाउंट ओपनिंग के लिए 300 लगेंगे और हर साल 300 रुपए देने होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पास ब्रोकरेज चार्जेस के बेस पे कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें पहला है इक्विटी डिलीवरी, जिसमें आपको जरोडा बिल्कुल फ्री देता है अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो, जरोडा बिल्कुल भी फ्री है। और वहीं ग्रो की बात करें तो ये 0.05% ऑफ ट्रेड वैल्यू या फिर 20 रुपीज काटता है, मतलब कि जो भी मिनिमम रहेगा दोनों में से वो चीज वो कंसिडर करेगा। या फिर इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो जरोडा 0.03% या फिर 20 रुपीज ब्रोकरेज लेता है, मतलब इसमें भी जो भी मिनिमम रहेगा वही चीज कंसिडर किया जाएगा। जरोडा और ग्रो में यही खासियत है, जो मिनिमम रहेगा वही चीज कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर हम ग्रो की बात करें तो इक्विटी इंट्राडे के लिए यहाँ पर 0.05% या फिर 20 रुपीज कंसिडर किया जाएगा। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो जरोडा में बिल्कुल सेम है और ग्रो में यहाँ पास मात्र 20 रुपीज ही कटेगा। उसके बाद इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो जरोडा में फिर से 20 रुपीज कटेगा और ग्रो में भी ओनली 20 रुपीज ही कटेगा, चाहे कितना भी लॉट करो। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें भी सिर्फ 20 रुपीज ही कटेगा और ये आपको ग्रो में अवेलेबल नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम कमोडिटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें भी 20 रुपीज ही कटेगा और यहाँ पास ग्रो में अवेलेबल नहीं है। और करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें फिर से वही पुराना चार्जेस 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू या फिर 20 रुपीज ही कटेगा, जो मिनिमम रहेगा वही चीज कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पास करेंसी फ्यूचर्स ग्रो में अवेलेबल नहीं है।
वहीं अगर मैं करेंसी ऑप्शंस की बात करूं तो जरोडा में ऑनली 20 रुपीज ही कटेगा, लेकिन ग्रो में फिर से ये अवेलेबल नहीं है। और अगर यहाँ पास मैं ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस की बात करूं, मतलब कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और आप स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो ब्रोकरेज फर्म खुद स्क्वायर अप कर देता है, उसी को हम ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस कहते हैं। उसमें ब्रोकर फर्म एक्स्ट्रा पैसा लेता है, तो वही ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस जरोडा 50 रुपए लेता है और वही 3:10 तक इंट्राडे को स्क्वायर अप कर देता है, और ग्रो भी ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस का 50 रुपए लेता है और वही ये 3:15 तक स्क्वायर अप कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रोकरेज चार्जेस के बेस पे कंपैरिजन देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बेस पे कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें पहला है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। तो जरोडा का भी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है काइट के नाम से, और ग्रो का भी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है ग्रो के ही नाम से। अब हम देखते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल के लिए इसका ऐप है या नहीं। तो जरोडा का एंड्रॉइड के लिए ऐप है और ग्रो का भी एंड्रॉइड के लिए ऐप है, लेकिन अब हम वही चलते हैं आईफोन के लिए, मतलब कि iOS के लिए इसका ऐप है या नहीं मोबाइल में। तो यहाँ पास जरोडा का है iOS मोबाइल के लिए और ग्रो का भी iOS मोबाइल के लिए ऐप है। और वहीं अगर हम विंडोज सॉफ्टवेयर की बात करें, मतलब कि हम जो भी नॉर्मल कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके लिए जरोडा का सॉफ्टवेयर नहीं है और ग्रो का भी सॉफ्टवेयर नहीं है। और वहीं अगर हम एप्पल का कंप्यूटर की बात करें, मतलब कि मैक सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पास जरोडा का नहीं है और ग्रो का भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम कंप्यूटर में ट्रेडिंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों कंप्यूटर में ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पास वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जो कि जरोडा और ग्रो दोनों में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूज करना बहुत ही पेचीदा होता है, बहुत ही घुमावदार होता है और उससे कहीं ज्यादा सरल वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो बहुत लोग वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके ही ट्रेड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है ऑर्डर टाइप के बेस पे, मतलब कि हमारा यहाँ पर हम ऑर्डर टाइप के बेस पे कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें पहला है सीएनसी ऑर्डर। तो दोस्तों सीएनसी ऑर्डर मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर, जो कि जरोडा में है और ग्रो में भी है। उसके बाद एमआईएस ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर का मतलब होता है इंट्राडे ऑर्डर, जिसका जरोडा में भी है और ग्रो में भी है। उसके बाद तीसरा है नॉर्मल ऑर्डर, जो कि आपका जरोडा में भी मिलेगा और ग्रो में भी मिलेगा। उसके बाद आता है कवर ऑर्डर, जो कि आपका जरोडा में तो मिलेगा लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। वही अगर मैं बात करूं ब्रेकेट ऑर्डर की, तो ये जरोडा में अवेलेबल नहीं है और ग्रो में भी अवेलेबल नहीं है। ब्रेकेट ऑर्डर पहले जरोडा में अवेलेबल था लेकिन अभी जरोडा ने हटा दिया है। अब हम बात करते हैं एएमओ ऑर्डर की, मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर की, जो कि जरोडा में अवेलेबल है लेकिन ग्रो में अवेलेबल नहीं है। वही अगर हम जीटीटी ऑर्डर की बात करें, तो वो जरोडा में अवेलेबल है और ग्रो में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑर्डर टाइप में कंपैरिजन देख सकते हैं, आपके लिए कौन सा ऑर्डर यूजफुल है, मतलब कि आप कौन से ट्रेडिंग करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप देख के ब्रोकर फर्म डिसाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम यहाँ पास इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग के बेस पे कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें पहला है ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई। तो आप जरोडा में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं और ग्रो में भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड आपको जरोडा में भी मिलेगा और ग्रो में भी मिलेगा। उसके बाद तीसरा है बॉन्ड, तो बॉन्ड आपको जरोडा में भी मिलेगा और ग्रो में भी मिलेगा। उसके बाद चौथा है ETF, तो ETF आपको जरोडा में भी मिलेगा और ग्रो में भी मिलेगा। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपको न ही जरोडा में मिलेगा और न ही आपको ग्रो में मिलेगा। उसके बाद आता है MF SIP इन्वेस्टमेंट, मतलब कि म्यूचुअल फंड में SIP इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं नहीं। तो आप जरोडा में म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं और ग्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन वही अगर मैं इक्विटी SIP इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आप न तो जरोडा में कर सकते हैं और न ही ग्रो में कर सकते हैं। वैसे इक्विटी SIP इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ब्रोकर फर्म नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये ओनली 5 पैसा प्रोवाइड करता है, जिसमें आप इक्विटी में भी SIP आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको उन 6 टॉपिक्स पर कंपैरिजन करके दिखा दिया है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर फर्म यूजफुल है। मैंने आपको इन 6 टॉपिक्स में कंपैरिजन कर दिया है, तो आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा ब्रोकर फर्म यूजफुल है। उसके बाद आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं जरोडा और ग्रो की अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।